पूर्ण नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 18 अगस्त 2023 की दोपहर में 3:14 पर मंगल आपकी राशि यानी सिंह राशि से निकलकर अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल कन्या राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हालांकि मंगल का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, तो इसका देश काल और वातावरण के ऊपर, सेना के ऊपर और वैश्विक स्तर पर भी विशेष प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रहों में मंगल को भूमिपुत्र और युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंगल को ताकत का, शारीरिक क्षमता का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, विज्ञान का, युद्ध का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रतिनिधित्व होता है। किसी भी राशि के जातक की जन्म कुंडली पर मंगल यदि बली और मजबूत स्थितियों में हो तो जातक के अंदर निडरता और साहस देखने के लिए मिलता है। मंगल यदि मजबूत हो तो विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता मंगल के प्रभाव से ही ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है। मंगल यदि बली हो तो जातक को खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। वहीं मंगल के बली होने पर जातक के अंदर ना झुकने की आदत या अपनी स्वतंत्र विचारधारा के साथ आगे बढ़ने की आदत देखने के लिए मिलती है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इन तीन नक्षत्रों के स्वामी भी माने जाते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल यदि तीसरे भाव, छठवें भाव, दसवें भाव और एकादश भाव पर यदि विराजित हो जाए तो अपनी दशा अंतरदशा में और गोचर में बहुत ही शुभ प्रभाव देते हैं। अब मंगल की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो तो अज्ञात भय, मानसिक तनाव देखने के लिए मिलता है। पारिवारिक जीवन में लगातार वैचारिक मतभेद बने हुए रहते हैं। मंगल के पीड़ित होने पर संतान उत्पन्न करने में समस्याएं होती है। वहीं मंगल के खराब होने पर रक्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और बीपी की समस्या भी परेशान करती है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों, मंगल आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि आपकी राशि के भाग्य भाव और सुख भाव के स्वामी मंगल देव माने जाते हैं, जो 18 अगस्त 2023 को आपके द्वितीय भाव पर गोचर करने वाले हैं। द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। मंगल आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव डालने वाले हैं, यानी मिक्स रिजल्ट आपको देने वाले हैं। सबसे पहले सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष उपलब्धि और सफलता आपको मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में रुक रुक कर कार्य बन रहे थे
या ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम आपको कम या ना के बराबर मिल रहा था, उससे आपको भरपूर निजात देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि मंगल आपके राशि के भाग्य भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। देखिए, मंगल आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर अपने मित्र दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, मित्र दृष्टि से ही अष्टम भाव को देखेंगे और शुभ दृष्टि से ही आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। इसकी वजह से यहां पर सिंह राशि वाले जातकों का सामाजिक दायरा बढ़ेगा, जनता का भरपूर सहयोग यानी जनता से जुड़ा हुआ यदि आप कार्य करते हैं या यदि आप लीडरशिप क्षमता वाला कार्य करते हैं, आपके अंडर में कई टीम कार्य करती है या टीम वर्क करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है और काफी बेहतरीन सफलता आपको देने वाला है। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष सफलता की सौगातें मिलने वाली है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में विद्यार्थी जीवन में जुड़कर जो जातक चल रहे हैं उन्हें विशेष सुप्रभाव मिल सकता है। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातक इस समय अवधि में, चूंकि पंचम और नवम भाव दोनों प्रभावी है, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर यदि आप इस समय अवधि में कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, उसमें आपको बेहतरीन सुप्रभाव प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर समय बेहतर रहेगा, संतान की प्रगति उन्नति होने की संभावना बनेगी। मंगल की शुभ दृष्टियां आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई संतान नहीं है, संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल और बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मंगल का यह गोचर आपके जीवन में धन के स्रोतों का सृजन करेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ आपको दे सकता है। वर्तमान समय में मंगल आपके वाणी भाव पर गोचर करेंगे, क्योंकि 18 अगस्त के पश्चात, तो इसमें आपको आपके वाणी में काफी कटुता जरूर दिखाई देगी। इसकी वजह से पारिवारिक जीवन में, चूंकि वाणी के द्वारा वाद विवाद और परिवार के सदस्यों में बहस हो सकती है, यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को क्रोध पर भी नियंत्रण बनाकर चलना है और नपे तुले शब्दों का भी आपको जीवन में प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और काफी अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समय अवधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल का यह जो परिवर्तन है, इस समय अवधि में विशेष रूप से शारीरिक रूप से आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें, फोर व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो हेलमेट का प्रयोग आपको करना चाहिए। उसके साथ साथ इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को तले भुने भोज पदार्थों से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है और यह जो मंगल का परिवर्तन है आपके जीवन में धन वृद्धि तो देगा ही, साथ में यदि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, भूमि भवन, इन सभी चीजों का भी आपको लाभ देने के लिए स्थितियां बनाने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित शुभता को अर्जित करने के लिए, मंगल से जुड़ा हुआ दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए और भी बेहतर संभावना बनने वाली है। मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में यदि आप गेहूं, तांबा, गुड़, लाल मसूर का दान पूर्ण रूपण श्रद्धा दक्षिणा भाव से किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप करते हैं तो इससे आपको मंगल जनित दुष्प्रभावों से राहत मिल सकती है। यदि आपके ऊपर महादशा चल रही है और महादशा आपके ऊपर खराब जा रही है तो यह उपाय आपको करके शुभता ज्यादा अर्जित करने की आवश्यकता रहने वाली है।
उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।